इस सरकार का बुलडोजर जो गरीबों के घर गिरा रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर हो, मध्य प्रदेश के अंदर हो, अब दिल्ली के अंदर भी। आज उस सरकार ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को संसद भवन के प्रांगण से हटा दिया। उनके साथ साथ ज्योतिबा फूले जी, बिरसा मुंडा जी, गांधी जी, शिवाजी महाराज और अन्य की मूर्तियों को भी हटाकर एक कोने में ले जाके लगाने का काम किया है। चूँकि वो जानते हैं कि 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को लाखों की संख्या में लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए संसद भवन के प्रांगण में आते हैं, और चूँकि उनका तो मकसद ही ये था कि बाबा साहेब के संविधान को बदला जाए, और उसी मकसद से उस प्रतिमा को भी हटाने का उन्होंने निर्णय लिया। भला हो अम्बेडकरवादी लोगों का, बहुजन समाज के लोगों का, वंचित समाज के लोगों का, पिछड़े वर्ग के लोगों का, उन सब ने मिलकर उनके 400 पार के सपने को एकदम नकार दिया, फेल कर दिया, और उन्हें पूर्ण बहुमत भी नहीं मिलने दिया, जिसकी वजह से आज मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम उनकी जो दादागिरी बुलडोजर का जो राज उन्होंने कायम किया था वो अब ध्वस्त होने वाला है। जैसा आपने देखा होगा कल ही उत्तर प्रदेश के अंदर वहाँ के मुख्यमंत्री जी बुलडोजर को वापस ले लिया, वहाँ पे भी निशान लगाए थे कुछ और मकान तोड़ने के लिए, पहले भी हजारों मकान वो तोड़ चुके हैं, और इस तरह का ये इनका चलने वाला नहीं है। इसके लिए हमने 22 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पे बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था बाबा साहेब की प्रतिमा को वापस पुनर्स्थापित करवाने के लिए, लेकिन इस सरकार के कान पर कोई जू नहीं चली है। और अब हमने 9 अगस्त को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर हजारों की मात्रा में लोगों को आह्वान किया है कि आप लोग बड़ी मात्रा में आइए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को वहाँ वापस लगवा के रहेंगे। इससे अलग हम किसी कीमत पर रुकने वाले नहीं हैं, और इस तानाशाह सरकार को काट के फेंकने का संकल्प हम लोग ले चुके हैं। अभी तो उनको हमने लोकसभा के चुनाव में ही जवाब दिया है, लेकिन अब आने वाले हर राज्य के चुनाव में भी उनको जवाब दिया जाएगा। अजीत पवार कह रहे हैं कि सब भ्रम में ना पलिए, क्योंकि बाबा साहब और उनके संविधान को छूने की किसी की औकात ही नहीं है, किसी की हैसियत ही नहीं है। देखिए, अजीत पवार जी को कुछ आता पता नहीं है, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। आजकल भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग ये बात कह रहे हैं, मोदी जी ने लिखा कि उनके उनके संविधान को कोई छू भी नहीं सकता। अरे छूना छोड़िए, आपके सांसद कह रहे थे 400 पार दीजिए ताकि संविधान को बदला जा सके। वो तो तुम्हारा अब जो आपने प्लान किया था फेल हो चुका है, अब आप जो मर्जी बोले, आप पे कोई भरोसा करने वाला नहीं है। बाबा साहेब की जिस षड्यंत्र के तहत आपने प्रतिमा को हटाया, इससे ये बात तो स्पष्ट है, बाबा साहेब से नफरत करते हैं, उनके संविधान से नफरत करते हैं। आपकी साजिश थी, 400 पार की बात वो कोई नकली नारा नहीं था, वो तो जनता समझ गई, और उन्होंने आपको फेल कर दिया, और संविधान की जीत हुई, तानाशाही की हार हुई। 25 जून को संविधान की हत्या का दिवस मनाया जाएगा देश में, पहली बार सुन रहे हैं ऐसी डेट। देखिए, वो 25 जून को जो 1975 में इमरजेंसी लगी थी उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जो पिछले 10 साल से अघोषित इमरजेंसी लगी है उसमें सबके फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया गया है। अभी उन्होंने जो IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट में जो तब्दीली करके नए कानून जो वो लेकर आए हैं, उसमें तो उन्होंने हमारे संविधान के द्वारा गारंटी दिए हुए मौलिक अधिकारों को भी छीन लिया है। पुलिस को इतनी ज़्यादा पावर दे दी है कि किसी को बिना वारंट कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो अब आप समझिए कि सरकार की नीयत स्पष्ट है, इस लड़ाई को लड़ा जाएगा, लोगों की हक की लड़ाई को जीता। आने वाले 3 राज्यों में जो चुनाव होंगे उसमें पूरी कर देंगे, और आगे जो भी चुनाव होंगे उसमें कसर पूरी कर देंगे। बीजेपी का, RSS का बिस्तर बांध देंगे, मोदी और योगी का बिस्तर बांध देंगे।